मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहां हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है अब इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है, राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। एक शैक्षणिक बीमारी भी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। और बड़े आश्चर्य की बात है, जिस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला और नालंदा देकर के विश्वविद्यालयीन शिक्षा की बुनियाद रखी, आज विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता। जहां एक ओर हमारे पास IIT, IIM और NIT जैसे शिक्षण संस्थान है, तो वहीं दूसरी ओर इस देश के गरीबों को बेरोजगारी की जमात में खड़ा करने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। और मैं बता दूं, इस शैक्षणिक बीमारी का केवल एक कारण वो ये कि हमारे देश की शिक्षा नीति केवल दो तरह के लोगों के लिए बनती है, पहले वो जो विद्वान है और दूसरे वो जो धनवान है। इसी तरह की कई गजब की बीमारियां हैं, और इन बीमारियों की जो जड़ है ना, वो हमारा अंधविश्वास। और मेरे विचारों में जब तक इस देश का युवा अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा, हमारे समाज का शिक्षित वर्ग ही बिल्ली के रास्ता काटने पर खड़े हो जाना, अपने धर्म अपनी जाति को ऊंचा मानकर दूसरों के धर्म की अवहेलना करता रहेगा, तब तक ना तो इस देश से अंधविश्वास खत्म होगा और ना ही हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, तो क्यों आस्था के नाम पर हमने अंधविश्वास फैलाया है? मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं उनकी इज्जत की जाएगी। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम जाति का आरक्षण नहीं बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण पर बात करेंगे। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान में केवल सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बंटाएगा, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा। असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सटीन, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान मूल्यों के आंकड़ों में जिन्न शिन्न पैपंदमयी अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती है। आई बींग एन इंडियन, आई बींग अ स्टूडेंट, आई बींग अ सिंबल डॉटर ऑफ दिस मदरलैंड फील प्राउड टू बी एन इंडियन। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगी सरहद पर दिन रात हमारी रक्षा के लिए खड़े हर उस जवान को, इस देश की पुलिस प्रशासन और किसान को, और इस देश के हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी ईमानदारी पूरी मेहनत और पूरी लगन से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। और आज इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं भारत की बेटी ये कहती हूं कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सभी, मैं आप हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की, अपने वतन को आगे ले जाने की। तो अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी, मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम।